अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ ठीक हैं। सो फ्रेंड, ये है सहरी का टाइम और आठवीं रमज़ान की सहरी है ये। यहाँ पर मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ और रोटी बनाऊँगी, क्योंकि पराठे खाने के लिए हस्बैंड ने मना कर दिया था। तो मैंने सोचा सादी सी रोटी बना लें, और कबाब रखे थे और दही फुल्की वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो ज़्यादा तो कुछ खाया नहीं जाता है सहरी में, तो थोड़ी थोड़ी सी जो है ये सारी चीज़ें अगर हो तो थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाता है। तो जल्दी उठ गए थे सहरी में और यहाँ पर कबाब फ्राई कर रही हूँ मैं, और हस्बैंड उधर वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट डे की दोपहर का टाइम है, मैं आ गई थी अपनी अम्मी की तरफ, और आज की इफ्तारी इधर की ही होगी हमारी। तो यहाँ पर अम्मी इफ्तारी बना रही हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर दूँ। मुझे बड़े खूबसूरत से लग रहे थे माशाल्लाह से ये फ्लावर्स और पेड़ पौधे, और मुझे पर्सनली पसंद भी बहुत हैं। खैर पसंद तो सभी को ही होते हैं ये पेड़ पौधे वगैरह, मगर ये जो पेड़ पौधे हैं ये काफ़ी टाइम के हैं, बहुत टाइम के, जब मैं छोटी छोटी सी तब के ये लगे हुए हैं। और मेरे डैडी जो है बहुत, उन्हें बहुत शौक है इनका, पेड़ पौधों का, बड़ी जो है बहुत ज़्यादा इनकी देखभाल करते हैं। तो ये देखें कितने खूबसूरत से लग रहे हैं फूल, और ये जो गुलाब दिख रहे हैं आपको, ये गुलाब हर कलर के हैं। यहाँ पे येलो भी है और रेड भी है, पिंक है, ग्रीन कलर का भी था, मगर ग्रीन कलर में फ्लावर्स नहीं आए थे, छोटे छोटे से बस फूल कभी आ जाते थे तो आ जाते थे, नहीं तो उसमें अच्छी तरीके से फूल कभी नहीं आए। मगर माशाल्लाह से ये सारे फ्लावर जो हैं वो बहुत पसंद है मुझे। ये देखें कितने खूबसूरत से, एकदम रेड कलर का भी है, बिल्कुल ब्राउन कलर का भी था, हर कलर के फ्लावर्स रोज़ेस थे। और बताइएगा आपने कौन कौन से कलर के रोज़ेस देखे हैं, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का रोज़ देखा है आपने या नहीं। मम्मी उधर बना रही हैं इफ्तारी और मैं इधर जो है थोड़ी सी शूटिंग कर रही हूँ इधर फ्लावर्स की। और अम्मी की तरफ आके थोड़ी सी लेजीनेस आ जाती है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, बड़ा सुकून सा मिलता है, ऐसा लगता है कि बस माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जिम्मेदारी होती है अम्मी की तरफ की, थोड़ी बहुत जो है देखते हैं काम वगैरह कुछ पड़ा है तो अम्मी की हेल्प करा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अम्मी ने आलू टिक्की वहाँ पर बना रही हैं, और इधर कबाब बना लिए हैं, लगभग खाना तैयार हो चुका है। अम्मी ने साथ साथ डिनर भी प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि हमें निकलना था घर पे, और डिनर किए बिना वो जाने नहीं देती। तो इधर रोटी वगैरह सब बना लेंगी साथ में ही, और उधर इफ्तारी भी तैयार कर ली है, और इधर डिनर भी साथ साथ बना लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए अम्मी बना रही हैं रोटी, तो यही होता है माओं का प्यार। तो धीरे धीरे उधर इफ्तारी लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका था। अम्मी इधर बना रही थी रोटी, और नमाज़ का टाइम भी हो गया था अम्मी का, असर का। तो उधर आलू टिक्की फ्राई कर रही हैं, क्योंकि आलू टिक्की मुझे, मेरे बच्चों को, सबको बहुत पसंद है। आशिर और हसनैन तो बड़े शौक से खाते हैं आलू टिक्की, तो उनकी खाला जो है जब भी ये आते हैं तो उनकी खाला आलू टिक्की बनाकर ज़रूर खिलाती हैं उन्हें। तो उधर अम्मी चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए असर की, और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम रह गया था वो अब मैं खड़ी हो गई हूँ। तो यहाँ चावल रख के गई थी अम्मी प्लेन राइस, क्योंकि सालन वगैरह से जो है प्लेन राइस हम लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो प्लेन राइस इधर मैं तैयार कर रही हूँ, और उधर जो चाय भी चढ़ा दी है, तो उधर चाय भी साथ साथ में बन जाएगी, क्योंकि इफ्तार के बाद जो है वो माइंड फ्रेश के लिए चाय ज़रूर, एक एक कप चाय ज़रूर होती है। और बताइएगा कि किस किस को इफ्तार के बाद चाय ज़रूर जो है वो पीना होती है, क्योंकि भाई हमारे लिए तो चाय जो है वो मस्ट है, इफ्तार के बाद होनी ही चाहिए, तभी माइंड फ्रेश होता है। तो यहाँ पर इफ्तारी बन के है तैयार,
और सब लोग बैठे हुए हैं और अज़ान की जो है वो अज़ान का वेट हो रहा है। अज़ान होगी, दुआएं वगैरह मांगी जाएंगी, क्योंकि इफ्तारी जो है वो पहले ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए और दस्तरखान पे सजा लेनी चाहिए और बैठ के अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला सबकी रोज़े नमाज़ें सबकी इबादतें कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं, और उधर जो है इनके पापा भी आ गए थे, तो ये देखें ये भी बैठे हुए हैं और लेट हो रहा है अज़ान का। फ्रेंड डिनर वगैरह करने के बाद आ गए थे हम घर पे वापस, लगभग 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है, घर वापस आ गए थे। और यहाँ पर सब अपने अपने सोने की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे भी फ्रेश होकर, और बस अब बस सोने ही जाएंगे और हम भी रेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर सहरी में भी उठना होता है। और वहाँ से आते टाइम मैं लेकर आई थी दूध, और दूध गर्म करके और रख दूँगी सहरी में, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर सहरी में रख दिया जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम ही दूध आता है हमारी तरफ। सो फ्रेंड अगर चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर। और वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है और लाइक करने में आपका 1 मिनट भी नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो फ्रेंड आज का इफ्तार था अम्मी की तरफ और आ चुके हैं हम घर पे, बिल्कुल अभी पहुँचे हैं। और बस मैं अपनी वीडियो का एंड यही करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। अपना खूब ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।